वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे और वाज और वर का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, यू, वी और दे, इन तीनों के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू ई आर ई, वर, सहायक क्रिया के रूप में वर का प्रयोग करेंगे। और जो करता है, आई, सी, ही या फिर किसी का नाम, इन सभी कर्ताओं के साथ क्या करेंगे, हम वाज का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे, वाज का। ठीक, इसके हिसाब से हम आज ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। पहला ट्रांसलेशन हमारा दिया गया है, तुम एक डाकिया थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुम की अंग्रेजी लिखते हैं यू, और यू के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वर। इसके बाद एक की अंग्रेजी लिख देंगे ए, और डाकिया की अंग्रेजी होती है पोस्टमैन, पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन। दूसरा वाक्य दिया गया है, वह नटखट था। तो वह लड़का है, तो वह की अंग्रेजी लड़का के लिए ही होती है, और था की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे एक वचन के लिए, वाज। ये देखिए, ही, सी, इट है ना, हमने बताया था ना, ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, इन तीनों के साथ केवल वर लगाना है, अन्य जितने भी कर्ता आएंगे सबके साथ वाज लगेगा। और नटखट की अंग्रेजी हो जाएगी नोटी, एन ओ यू जी एच टी वाई। ठीक, एन ए यू होती है शायद, एन ए यू जी एच टी वाई, नोटी, नोटी मीन्स नटखट। अगला, हम लोग शिक्षक थे। तो हम या हम लोग की अंग्रेजी वी होती है। अगर आप सोचें कि हम की अलग लिखेंगे, लोग की अलग लिखेंगे, तो वी पीपुल, ये गलत हो जाएगा। हम या हम लोग की अंग्रेजी ही होती है वी। ठीक, अब आप लोग की अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि आप अलग से लिखें कि पीपुल, उस तरह में गलत माना जाता है। जैसे हम कह दें वह मेरा चचेरा भाई है, तो लिखेंगे ही वाज माई कजिन, ना कि लिखेंगे ही वाज माई कजिन ब्रदर। अगर कजिन के बाद ब्रदर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, केवल कजिन ही लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी है, हम लोग वी, वी मीन्स हम या हम लोग। इसके बाद वर लगेगा, वर, सहायक क्रिया लग गई वर। और इसके बाद शिक्षक की अंग्रेजी होती है टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, और बहुवचन है तो एस लगा देंगे, क्योंकि बहुत से टीचर हैं। वी वर टीचर्स, हम लोग शिक्षक थे। अगला अनुवाद दिया गया है, दीपक चालाक नहीं था। तो लिखेंगे दीपक वाज नाट चालाक, की अंग्रेजी होती है क्लेवर, सी एल ई वी ई आर, दीपक वाज नाट क्लेवर। मैं अमीर था, लिखेंगे आई वाज रिच, रिच मीन्स अमीर, मैं अमीर था, आई वाज रिच। मोहित तैयार था, मोहित वाज रेडी, आर ई ए डी वाई, रेडी, रेडी मीन्स तैयार। इसी प्रकार आगे दिया गया है, तुम ईमानदार थे। यू वर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, यू वर ऑनेस्ट। वे लोग बहुत व्यस्त थे। तो देखिए, वे या वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, टी एच ई वाई, दे। अब आप ये ना सोचिए कि वे की हो गई दे और लोग की अंग्रेजी लिखेंगे पीपुल, ये नहीं होता है। आप केवल एक चीज़ ही लिख देंगे तो इसका मतलब होता है वे या वे लोग। इसके बाद वर, डब्ल्यू ई आर ई, वर, बहुत व्यस्त थे। तो लिखेंगे वेरी बिजी, बी यू एस वाई, दे वर वेरी बिजी। अगला है, वह एक सुंदर लड़की थी। तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे सी, लड़का के लिए ही होती है और लड़की के लिए सी होती है। वाज ए ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। और लड़की की अंग्रेजी लिख देंगे गर्ल, जी आई आर एल।
सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। हम लोग बीमार थे तो वी मीन्स हम या हम लोग, ठीक, जैसे अभी पहले हमने बताया था हम लोग बीमार थे, वी वर इल, इल मीन्स बीमार, आई डबल एल, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। तो आपको ये वाज और वर का प्रयोग करना आज हमने सिखाया और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस ये बताए। अगर आप टेंस वाले पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सर्च कर करके देख सकते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी होगी, आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे।